ये स्मॉल बजट की मूवीज के ताल्लुक से बता रहा था कल, और वो मेरा वीडियो बैटरी नहीं होने की वजह से पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं ये पार्ट टू के तौर पे बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल बजट की मूवीज बॉलीवुड की हो या टॉलीवुड की या समझो अब इंडियन इंडस्ट्री की, क्योंकि अब वो वक्त आ गया इंडियन इंडस्ट्री बोलने का। चार फिल्में ऐसी है जो छोटे बजट की थी, धूम मचा दी। 777 चार्ली अगर आप देखेंगे, बजट सिर्फ छोटा सा था, 12-13 करोड़ की बजट की मूवी या 20 करोड़ के अंदर की मूवी 100 करोड़ बना दी पैन वर्ल्ड रिलीज बोल के। वर्ल्ड वाइड उसका कलेक्शन 101 करोड़ तक आया। अगर उसको बॉम्बे साइड, क्योंकि बॉम्बे मशहूर है इंडस्ट्री, पहले कलकत्ता थी, बाद में बॉम्बे है भी, फिर मद्रास, तो मद्रास एवरग्रीन है इंडस्ट्रीज। तो साउथ की अगर से नॉर्थ में इसका एडवर्टाइजमेंट करते अच्छा, तो ये बहुत बनाती थी, फिर भी 6-7 करोड़ बनाई हिट बोल के बोल दिए। उसी तरह कार्तिक की आई 2, और वो 15-20 करोड़ की बजट की है तेलुगु की, और वो जो है पूरे नॉर्थ में थिएटर्स इजाफा करने से उसका कलेक्शन ऑलरेडी 7-8 करोड़ के करीब आ गया हिंदी साइड में, और पूरा बजट के हिसाब से 50 करोड़ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई छोटे बजट की। सीतारामम 20-25 करोड़ की मूवी थी, 50 करोड़ से ज़्यादा आ गया, ब्लॉकबस्टर हो गई, जुल्खार सलमान की, और म्यूजिकल हिट हो गई, रोमांटिक हिट हो गई। भीमसारा 40 करोड़ की थी, क्योंकि आजकल एपिक्स के टाइप के मूवीज़ बन रहे हैं मैथोलॉजी की वजह से, वो बताना है कि ये लोग छोटे बजट की वजह से जो एक कामयाब है, बड़े बजट फेल हो जा रहे हैं। छोटे बजट में अब सबसे अच्छी फिल्म मेरी नज़र में जो है आपको सीतारामम है, चार्ली है, गालीपटा है कनाडा का पार्ट टू जो सिर्फ 10 करोड़ की है, ऑलरेडी 30 करोड़ बना ली। तो ये कनाडा कन्नडा और तमिल और तेलुगु की फिल्में छोटे बजट की बहुत बड़े बिजनेस दे जा रही है। आप तमिल के भी चेक करो, आप मलयालम के चेक करो, आप कन्नडा के चेक करो, और तेलुगु के ये 10-20 करोड़ के रिस्क नहीं रहता, और ये लोग मैथोलॉजी के फेल हो रहे बड़े बजट के। जैसे राधे श्याम फेल हो गई, आधे से आधा नुकसान हुआ, 100 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ राधे श्याम का, प्रभास की मूवी। आचार्य हालांकि मेगा स्टार, चिरंजीव और रामचरण दोनों मेगा स्टार है, बाप बेटा, वो भी फ्लॉप हुई, डिसास्टर हुई, सायरे डिसास्टर फ्लॉप हुई चिरंजीव की, क्योंकि स्टोरी का कंटेंट सही नहीं रहता, झूठ रहता है, इस वास्ते फ्लॉप होते। अब आरआर का भी झूठ स्टोरी का है, मगर वो ऑस्कर में जारी, ऑस्कर में जज पास करते नहीं करते नहीं मालूम, मगर भेज रहे। लेकिन अब जो कार्तिकिया जैसी फिल्में मैथोलॉजी की बनेगी, तो ये फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी पूरी इंडिया की। क्यों होगी? बायकॉट का सिस्टम शुरू हो गया, इसमें खान्स को ये लोग जो है बर्दाश्त नहीं करें, मुस्लिम है बोल के। इंडिया में 75 ईयर्स है, लेकिन इंसान के पास की आज़ादी छीन ली गई, इस एक्टर मुस्लिम है तो बायकॉट करो, अगर से डिबेट्स होने तो मुस्लिम को बुला के पैसे दो और इस्लाम का बोलने का मौका ना दो, सिर्फ जावेद अख्तर या जो है तारिक फतेह जैसे को बुलाओ जिसको कुरानी नहीं मालूम, आदम कैसा वानी, आदम पैदा कैसा हुआ डेफिनेशन दे दे, कुरान से हटके दो बोलो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पहला इंसान मैं चैलेंज दे रहा हूँ जावेद अख्तर और तारिक फतेह जैसे और के जैसे को मैं गाली इस वक्त देना चाह रहा हूँ, उन्हें हर एक से लड़ लेके फिल्म इंडस्ट्री का पेरा बेड़ा गर्क कर दे रहा, अभी तपसी पन्नू से लड़ लिया हो, और उन्हें इतना जलस क्यों कर रहा, उन्हें क्या समझ रहा, उसकी एक आध बात समझ होती समझ के उन्हें
उसकी बात सही है जैसा साबित करना चाह रहा, जबकि फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा। यहाँ एंकरों की या जर्नलिस्टों की या जो है डिबेट्स की कोई इज्जत नहीं है, और यहाँ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं या इंसान के पास कोई इज्जत नहीं है, मुस्लिम्स की खासकर, यहाँ इंसान की कोई इज्जत नहीं है, औरत का रेप हो गया जेल में नहीं डाल रहे, कोई इज्जत नहीं रही। लीडर्स गुंडागर्दी पे आ गए और लीडर्स के घेराव हो रहे हैं, अब कोई इज्जत नहीं है। एक्टरों की पूरी इज्जत चलेगी, हमारे बचपन में जो एक्टरों की छुपाते थे उनके गुना, इज्जत थी, दिलीप कुमार धर्मेंद्र जैसे, राजकुमार जैसे लोगों की बड़ी इज्जत थी, अब वो नहीं रही। तो यहाँ पूरी इंडस्ट्री की बायकॉट की वजह से इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देना चाह रहे थे। आमिर खान की फिल्म को जानबूझ के फेल किए इंडिया में, लेकिन बाहर का बिजनेस साबित किया कि 50 करोड़ से ज़्यादा बाहर बनाया उसकी फिल्म, और चाइना में रिलीज होगी तो उसको फ़ायदा ही नहीं, बल्कि हम चाइना का लीडर ऑफर कर रहा कि हम तेरे को बिजनेस इन्वेस्ट करते तेरी मूवीज पे बोलते। तो ये इज्जत है एक मुस्लिम एक्टर की, मगर यहाँ इस्लाम का बोलबाला नहीं होने देने के लिए ये फिक्शन मूवीज बना रहे हिंदू मैथोलॉजी के, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हॉलीवुड के अंदर जो फेल होने का तरीका है वो टेक्नोलॉजी के, ये बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसे वो भी फेल हो रहे। अल्लाह हू अकबर।